देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज अपराध के खिलाफ। बाराबंकी में स्वास्थ्य सेवाओं का है बुरा हाल। एम्बुलेंस के नहीं मिल पाने से प्रसूता ने गमाई अपनी जान। सरकार चाहे जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लाख दावे कर ले, लेकिन जमीनी हकीकत इसके विपरीत ही है, जिसका जीता जागता उदाहरण देखने को मिला है जनपद बाराबंकी में। यहाँ स्थित दरियाबाद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मथुरा नगर में एक प्रसूता की प्रसूति होने के बाद एम्बुलेंस नहीं मिल पाने के कारण से मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जबकि स्वास्थ्य विभाग दावा करता है कि पर्याप्त मात्रा में एम्बुलेंस उपलब्ध हैं, लेकिन प्रसूता की हुई मौत से उनके दावे की पोल खोल कर रख दी है। अब चाहे जो हो, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से प्रसूता को अपनी जान गंवानी पड़ गई। परिजनों पर मुसीबतों का पहाड़ टूटा, सबका रो रो कर बुरा हाल है। पूरे गांव में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन प्रसूता की हुई मौत अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई है। इस संबंध में अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मथुरा नगर संजय पांडे ने बताया कि जब प्रसूता को यहां लाया गया तो पहले से ही उसको खून की कमी थी और उसका बीपी भी ठीक नहीं था। बच्चा जन्म होने के बाद उसे रेफर कर दिया गया था। एम्बुलेंस हम लोग नहीं उपलब्ध करा सकते हैं, एम्बुलेंस का विभाग ही दूसरा है और एम्बुलेंस उपलब्ध कराने का जिम्मा उनका ही है। वो ही मरीजों को समय पर एम्बुलेंस उपलब्ध कराते हैं। समय पर यदि एम्बुलेंस मिल जाती तो शायद प्रसूता की जान बच सकती थी। पूरा मामला दरियाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुरजमापुर ग्राम का है। ये थी आशीष वर्मा की खास रिपोर्ट। मैं डॉक्टर संजय पांडे, अधीक्षक मथुरा नगर बाराबंकी। एक प्रसूता सुबह में मेरे अस्पताल मथुरा नगर CHC पे आई, जो कि हाफ डिलीवर्ड थी। तो हमारी स्टाफ नर्स प्रीति रावत ने डिलीवरी कराया, जो कि बच्चा भी अंडर वेट था। उसको स्टेबल किया, फिर उसके उस औरत का बीपी भी फॉल हो रहा था, और उस समय जांच की तो उसका हीमोग्लोबिन भी कम था। फिर उसको तत्काल उन्होंने जिला अस्पताल बाराबंकी के लिए रेफर कर दिया। उसी दौरान उसकी मृत्यु हो गई। आप देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज अपराध के खिलाफ।